हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीजल इंजन की, कि डीजल इंजन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या काम है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हमारे पास ये टाटा 407 का पुराने मॉडल का इंजन है। डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। यह फ्यूल टैंक, इसका काम है डीजल स्टोर करके रखना, और ये कनेक्ट है मेन फ्यूल पाइपलाइन से और फीड पंप। और फीड पंप का काम है FIP की कैमशाफ्ट से ड्राइव लेना और डीजल को फ्यूल टैंक से सप्लाई करना फ्यूल फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर से ये जो पाइप आ रही है ये FIP तक। जानते पहले फ्यूल फिल्टर का क्या काम है। फ्यूल फिल्टर का काम है जो डीजल जो है उसको क्लीन करना, साफ करना। अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल हो तो उसको अलग कर देता है और क्लीन डीजल आगे सप्लाई करता है ये FIP को। और FIP का काम है फ्यूल को हाई प्रेशर के साथ आगे सप्लाई करना, हाई प्रेशर पाइपलाइन और इंजेक्टर को। इंजेक्टर अंदर हैं, ये हेड में लगे हुए हैं। आपको मैं दूसरे इंजन से दिखाता हूँ उसमें किस तरह से इंस्टॉल होते हैं। ये हेड में इस तरह से इंस्टॉल होते हैं ये इंजेक्टर। इंजेक्टर का काम है कि जो हाई प्रेशर से जो फ्यूल आया है उसको इंजेक्ट करना कम्बशन चैम्बर के अंदर। FIP मेन पार्ट्स है इंजन का। ये फ्यूल की सप्लाई हाई प्रेशर के साथ अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर करता है। यह हैंड प्राइमर पंप, इसका काम है जब डीजल फ्यूल लाइन में हवा आ जाती है तो उस हवा को ब्लीड करना पड़ता है, तो ये सप्लाई करता है उस वक्त जब हम इसको प्रेस करते हैं खोल के, तो ये आगे डीजल की सप्लाई करता है फ्यूल फिल्टर को। और जब एयर जो आई है उसको ब्लीड करने के लिए ये एयर ब्लीडिंग स्क्रू है, इसको खोल के यहाँ से एयर को ब्लीड करते हैं। और ये है ओवरफ्लो पाइपलाइन। ये जो पाइप है ओवरफ्लो की, ये जो इंजेक्टर से ओवरफ्लो फ्यूल होता है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है ये पाइप। और जो यहाँ से जो डीजल फिल्टर से होता है जो ओवरफ्लो फ्यूल का, वो ये कनेक्ट है दोनों पाइप यहाँ पर, तो ये ओवरफ्लो फ्यूल पाइपलाइन फिर फ्यूल टैंक में चली जाती है और डीजल फिर फ्यूल टैंक में आ जाता है। यह है ऑयल फिल्टर, इसका काम है लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करके साफ करना। यह ऑयल सम्प, ऑयल चैम्बर भी कहते हैं। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टोर रहता है। यह फ्लाई व्हील, यह रेडिएटर, मेन पार्ट्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। यह है अल्टरनेटर, यह फैन वेल्ड से ड्राइव लेता है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है और डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। यह डिपस्टिक गेज, इसका काम है लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल चेक करना कि सम्प के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना है, उसका लेवल क्या है। यह सेल्फ स्टार्टर, इसका काम है इंजन को स्टार्ट करना। यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो कनेक्ट है सिलेंडर हेड और साइलेंसर से। सिलेंडर के अंदर जो जली गैसें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है ये। यह एयर क्लीनर, इसका काम है हवा को साफ करना और इनटेक मैनिफोल्ड में क्लीन एयर सप्लाई करना। यह है क्लच होजिंग, इसके अंदर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट फ्लाई व्हील के साथ बंधे रहते हैं। यह है फ्लाई व्हील,
FIP के ऊपर ये जो हाई प्रेशर पाइपलाइन है, इनको देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये इंजन कितने सिलेंडर है। जैसे इसमें चार हाई प्रेशर पाइपलाइन है तो ये चार सिलेंडर है। इसी तरह अगर कोई इंजन में अगर ये छः हो तो छः सिलेंडर इंजन है, अगर दो हो तो दो सिलेंडर इंजन है, अगर तीन हो तो तीन सिलेंडर, अगर एक है तो एक सिलेंडर इंजन है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं ये इंजन कितने सिलेंडर है। अब के जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन लगे हैं, जैसे CRDI और TDI। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।